नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जनादेश 2021, केरल में वाम, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, असम में बीजेपी की जीत। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट, कहां हो सकती है बड़ी त्रासदी। केंद्र के आपात स्थिति में प्रयोग के लिए ऑक्सीजन के भंडार सुरक्षित रखने का न्यायालय का निर्देश। कोरोना अपडेट, देश में लगातार 13वें दिन भी 3 लाख से ज्यादा नए मामले, अब तक करीब 2 करोड़ लोग संक्रमित। और आखिर में मोदी के इस्तीफे की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर रातों रात 4 लाख से अधिक हस्ताक्षर। 4 राज्यों और केंद्र शासित पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को हुई मतगणना से साफ है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी, असम में बीजेपी और केरल में वाम गठबंधन फिर से सरकार बनाने वाले हैं, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में विपक्षी दलों के गठबंधन के सत्ता में आने की स्थिति बनी हुई है। इसी दौरान देश के कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणाम भी आ गए। हालांकि इन परिणामों से वहां की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाजपा और कांग्रेस ने रविवार को 13 राज्यों में हुए उपचुनाव में लगभग बराबर सीटें जीती हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 4 लोकसभा क्षेत्रों में, जबकि 10 राज्यों के 12 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए थे। कन्याकुमारी लोकसभा सीट और मलप्पुरम लोकसभा सीट पर 6 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे, जबकि बाकी सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जीती हैं, कांग्रेस 4 सीटों पर, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जोराम पीपल्स मूवमेंट 1-1 सीट जीत चुकी हैं। दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने अपने खत्म होते ऑक्सीजन भंडारों के बारे में रविवार को अधिकारियों को आपात संदेश भेजे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच छोटे अस्पताल इस जीवन रक्षक गैस की कमी लगातार सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ने से दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार मौजूदा 490 मैट्रिक टन कोटे की बजाय केंद्र से 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली सरकार को महज 312 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को आपातकालीन प्रयोगों के लिए राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का एक सुरक्षित भंडार रखने और भंडार संस्थानों के विकेंद्रीकरण का निर्देश दिया है, ताकि सामान्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की स्थिति में ये प्रयोग के लिए तत्काल उपलब्ध होंगे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगले 4 दिनों में आपातकालीन भंडार तैयार किए जाने चाहिए और इन्हें हर दिन भरा जाना चाहिए। यह राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन आपूर्ति के मौजूदा आवंटन के साथ साथ चलना चाहिए। पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर आपातकालीन स्थितियों में प्रयोग के लिए भी ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडार तैयार करने का निर्देश देते हैं, ताकि अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी आपूर्ति श्रृंखलाएं काम करती रहें। आपातकालीन भंडारों की जगह विकेंद्रीकृत होना चाहिए, जिससे कि किसी भी कारण से किसी भी अस्पताल में सामान्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने पर तत्काल उपलब्ध हो सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 3 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 13वें दिन भी कोरोना के 3 लाख से ज्यादा यानी 3,68,147 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 3,417 मरीजों की मौत हुई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 3 लाख से ज्यादा यानी 3,732 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 63,998 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1,99,25,604 हो गई है, जिनमें से 2,18,959 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 81.76% हो गई है, यानी कोरोना से पीड़ित 1,62,93,003 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। और इसी के साथ देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 17.13% यानी 34,13,642 हो गई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के हार के बाद याचिका में केंद्र से मोदी शासन को हटाने की मांग की गई। change.org की याचिका की मांग में की गई प्रधानमंत्री COVID-19 संकट से बचने की कुप्रबंधन की जिम्मेदारी ले। सोशल मीडिया पर आए दिन #resignmodi को ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान
नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाना लगता है। नागरिक जिन्हें कोविड-19 है या परिवार के सदस्यों को परेशानी है, वे सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, अस्पताल के बेड, एम्बुलेंस, दवाइयों, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी सामाजिक संगठनों, नागरिक के समूहों से अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने नागरिकता से सहायता और समर्थन पाया है। कई और दुर्भाग्य से मदद पहुंचने से पहले ही मर गए। यह याचिका चिंतित भारतीय युवा के रूप में पहचान बताने वाले मृणाल मथुरिया द्वारा शुरू की गई है। इसे 1 मई को change.org पर अपलोड किया गया था। इससे विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में सोशल मीडिया और व्यक्तिगत मैसेज के रूप में देश भर में हस्ताक्षर करने की अपील की गई है। मथुरिया का आह्वान है, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री के बहरे कानों तक पहुंचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की विफलता के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए मांग को अपडेट किया है कि बंगाल ने मोदी को तो बाहर कर दिया है, हमें उन्हें केंद्र से बाहर निकालने की जरूरत है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.